हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट हिंदी। फ्रेंड्स, हर रोज की तरह फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, इसके अलावा आज हम रिफेरियम का एक रिव्यू लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा हर एक अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड, लेते हैं पहली न्यूज़। पहले न्यूज़ है फ्रेंड्स इथेरियम को लेकर। इथेरियम को लेकर पहले मैंने कई बार वीडियो बनाई है, इथेरियम के लेकर एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाई है। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी है फ्रेंड्स। आई होप कि आपके ये जो आपने पक्का बाय किया होगा, अभी भी ये बहुत अच्छा बाय करने का टाइम है और इसी रिलेटेड अभी ये न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी न्यूज़ दिया गया है, एक जो एक वीकली बियरिश साइकिल है जिसमें ये 9 कैंडल नेगेटिव में शो करता है, इसका ये कंप्लीट हो चुका है एक तरह साइकिल और इसके आगे ये अभी अप जाने की इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार जब इस तरह का बिहेवियर इथेरियम ने शो किया था तब इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था। तो फ्रेंड्स, अभी इसे बाय करने का अच्छा टाइम है। अभी ये $455 का है, ये अभी भी कम चल रहा है जैसा कि अभी न्यूज़ में कवर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ के हिसाब से और वैसे भी आप इसे बाय कर सकते हैं, आपको इसमें जल्द ही प्राइस सर्च देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है BTC डोमिनेंस को लेकर। मैं हर एक अपनी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ BTC डोमिनेंस किस तरह बढ़ता जा रहा है। ये पहले काफ़ी कम हो गया था, अभी 47.8% आ चुका है। तो इसमें फ्रेंड्स ये बताया है कि किस तरह अल्ट कोइन मार्केट जो है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन मार्केट ये डाउन होता जा रहा है और बिटकॉइन अप होता जा रहा है। तो अगर ऐसा ही हुआ, अगर मार्केट अभी अल्ट कोइन की अप नहीं हुई तो फ्यूचर में बिटकॉइन इसे हमेशा के लिए डोमिनेंस में ले लेगा और बिटकॉइन का प्राइस इतना ऊपर चला जाएगा जो डोमिनेंस होगा अल्ट कोइन मार्केट उससे कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगी। अभी इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है, मैं उसे भी कवर करूँगा तो आप ये बात अच्छे से और समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रॉन को लेकर। ट्रॉन का है एक प्रोजेक्ट जिसमें जस्टिन सन ने उसको प्रोजेक्ट एटलस करके नाम दिया है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट है एक तरह से पार्टनरशिप है, ये है बिट टोरेंट एंड ट्रॉन के बीच में। तो ये इसके बारे में पहले भी कई बार न्यूज़ आ चुकी है, ये सीक्रेट प्रोजेक्ट बताते हैं कई बार कोई से सीक्रेट। अब जब ये सबको पता चल ही गया तो इसमें सीक्रेट कुछ है भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इससे भी ये ट्रॉन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ट्रॉन को बारे में पहले भी ये बार बार न्यूज़ में कवर होता रहता है। ट्रॉन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉइन है, आई होप आपने इसे बाय किया होगा। अभी भी इसका सही, अगर आप इसके प्राइस देखेंगे तो अभी भी आप देखेंगे बहुत सही प्राइस है, आप ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया हुआ है, आप इसे अभी भी बाय कर सकते हैं। इस साल के अंत तक ये भी फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड बिटकॉइन रिलेटेड। हेज फंड मैनेजर का दावा है, एक तरह से उनका कहना है कि 6 सालों में करीब $5 लाख तक जा सकता है। इस चीज़ को लेकर पहले मैंने आपको वीडियो बनाई थी, तब मैंने बनाया था इस साल का जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि किस तरह एक्सपर्ट्स बताते हैं कि $60,000 ये इस साल तक जा सकता है। उस बारे में मुझे कमेंट मिले थे कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, लेकिन फ्रेंड ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं है, एक्सपर्ट्स की जो राय है ये मैंने वो बताई थी। अभी इस तरह कई न्यूज़ आ चुकी हैं, मैंने आपको अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में बताया था, फिर से हेज फंड मैनेजर का फिर से उन्होंने इसके बारे में फिर से कहा है और मैंने BTC डोमिनेंस के बारे में बात की है। आई होप कि आपका जो टोटल आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, आई होप एटलीस्ट उसमें 50% आप बिटकॉइन रखें। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स रिफेरियम को लेकर। रिफेरियम फ्रेंड मैंने आपको अब से कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, तब मैंने आपको जो करंट उस टाइम पे ICO आए थे उनके कंपेयर करके आपको बताया था। उसमें इथर ईकैश था, इलेक्ट्रोनियम था, रिफेरियम था, इस तरह करके 5 बताए थे। तब इसकी वैल्यू अराउंड 70 सतोसी थी। तो अभी ये इसका न्यूज़ ये है, ये लिस्ट हुआ है बिट्रैक्स अब बिट एंड बीबॉक्स पे। तो ये ऑब्वियसली इससे इसकी जो ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी और इसका प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। अभी फ्रेंड्स हम देखते हैं रिफेरियम के बारे में। तो रिफेरियम के बारे में एक तो चीज़, इसकी जो करंट वैल्यू है 133 सतोसी है। तो इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, पिछले कुछ दिनों में इसका प्राइस सर्ज काफ़ी हुआ है, ये सिर्फ 57 सतोसी का हो गया था।
मैंने जब भी आपको बताया था तभी अराउंड 70-75 सतोशी पे चल रहा था, फिर अचानक इसका प्राइस सर्ज हुआ और आपको इसने अचानक ही गेन दिया, बहुत अच्छा है, मोर देन 160 सतोशी चला गया था। तो फ्रेंड्स ये फिर से जितना अभी अप गया है इसके फिर से अप जाएगा, लेकिन इसमें आप प्रीवियसली अभी आप देखेंगे तो इसमें अचानक ही अप जाता है, डाउन अप डाउन, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको इसमें प्रॉफिट लेना ही है तो आप इसमें स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कई बार नीचे जा रहा है तो उसका भी ध्यान रखना है, आप इसकी बिड डाल के रख सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। आज इसकी सप्लाई की बात करें अभी तो फ्रेंड्स सप्लाई इसकी 5 बिलियन है, थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद भी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो अराउंड है 2 बिलियन समथिंग, तो ये इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसे देखें आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि न्यूज़ में अभी कवर हुआ कहाँ कहाँ पे नया लिस्ट हुआ है, इसकी जो ट्रेड वॉल्यूम मैक्सिमम है वो अब बिट पे 53% है फ्रेंड्स, उसके बाद है बिट्रैक्स 11%, उसके बाद OKEX पर है अब बिट, तो फ्रेंड्स इसकी सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम है अब बिट, फिर बिट्रैक्स पेयर विद BTC में है, आप कहीं से भी इसे फ्रेंड्स बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।